वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। तो हम लोग बेसिकली ग्रुप थ्योरी का हाइब्रिड लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसने भी वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया, मैं रिकमेंड करूंगा पहले फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। तो आज बेसिकली लेक्चर सेकेंड लेक्चर टू होगा, एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो सिमेट्री एलिमेंट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको हम लोग कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सीएसआर नेट एंड गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एमएससी एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली क्या होता है? तो ये जो सिमेट्री एलिमेंट हमने आइडेंटिटी सी एन एस एन आई इसके बारे में हमने पढ़ा है सिग्मा, तो उसको हम लोग कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और यू कैन सी एक्स वाई जेड के तौर पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आइडेंटिटी ऑपरेशन से। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर आइडेंटिटी और यू कैन से ई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दिस इज योर जेड एक्सिस, स्टैंडर्ड एक्सिस मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज योर वाई एक्सिस। एंड ये जो आइडेंटिटी ऑपरेशन ई होता है, वो हमने क्या बोला था, ये काइंड ऑफ यूनिटी होता है जब हम लोग इसको 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट लाइक दिस वे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये जो आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट है, जब इसको हम लोग 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करेंगे दैट विल बी योर दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कोई भी एटम का, अगर हम लोग जब हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एटम का, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, 3x1 फॉर्म में डिनोट करते हैं, राइट। कोई भी एटम का मैट्रिक्स फॉर्म, एटम का मैट्रिक्स फॉर्म जो होता है बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई जेड। तो ये बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर एटम का मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करते हैं बाई 3x1 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। बट अगर हम लोग कोई भी सिमेट्री एलिमेंट की बात करेंगे जो बेसिकली 3 एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वो बेसिकली हम लोग 3x3 फॉर्म में डिनोट करेंगे। उसके बाद ये बहुत इजी हो जाता है जब हम लोग इसमें ऑपरेशन करते हैं, एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन कैसे इसका एक्सिस चेंज हो जाते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये होगा इसका आइडेंटिटी। नाउ हम लोग को ये तो पता है जो आइडेंटिटी के साथ अगर कोई भी एटम का एक्सिस जैसे एक्स वाई जेड के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इंटू एक्स वाई जेड। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा एक्स वाई जेड, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर सी एन, ठीक है। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सी एन। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मेनली हम लोग सी एन को डिनोट करते हैं, देखो सी एन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा कॉस थीटा जीरो जीरो जीरो। तो हम लोग बेसिकली जो सी एन है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसको जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करते हैं वैसे हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा कॉस थीटा जीरो जीरो। नाउ द थीटा, थीटा व्हाट इज योर थीटा, हम लोग को ये तो पता है एन, राइट। एन का वैल्यू जब दो होता है थीटा का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, बिकॉज ये 180 डिग्री मीन्स 360 बाई 180 डिग्री, राइट। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आता है एन टू, जब एन का वैल्यू 3 आता है देन थीटा का एंगल कितना होता है 120 डिग्री, राइट। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक सी टू का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो सी टू, लेट्स से सी टू, तो सी टू का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स में कॉस 180 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री जीरो साइन 180 डिग्री, उसके बाद है कॉस 180 डिग्री जीरो 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 वन। तो हम लोग इन क्या मिलेगा कॉस 190 डिग्री माइनस वन साइन का जीरो जीरो, साइन इसका जीरो होता है माइनस वन जीरो 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 वन। तो हम लोग को ये जो वैल्यू मिल रहा है माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो जीरो वन, तो ये हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा है ये बेसिकली किसका वैल्यू मिल रहा है सी टू का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग को सी थ्री का करना है तो डेफिनेटली हम लोग कॉस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री ऐसे करके बिठाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर सी एन, ओके। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर सिग्मा,
मीन ऑफ सिमेट्री, राइट? सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा मेनली थ्री टाइप का होता है, राइट? सिग्मा मेनली थ्री टाइप का होता है बेस्ड ऑन देयर एक्सिस। तो यहां पे मान लेते हैं ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, और वी कैन से सिग्मा, इसको हम लोग थ्री फॉर्म में डिवाइड कर लेते, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर्म हम लोग लिखेंगे सिग्मा व्हाट एवर यू वांट वाई जेड सिग्मा एक जेड सिग्मा एक्स वाई, क्लियर हो गया? तो जब हम लोग सिग्मा की बात करें, देखो यहाँ पे हमने दिस इज योर जेड, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट? जब हम लोग सिग्मा एक वाई जेड के बात करें तो यहाँ पे वाई जेड मीन्स ये इस प्लेन के बात करें, राइट? ऑलराइट, उसके बाद जब हम लोग एक जेड की बात करें, एक जेड तो बेसिकली हम लोग इस प्लेन की बात करें, राइट? एक जेड एक्सिस में जो है वाई एक्स वाई की जो बात करें वो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लेन, क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली सिग्मा एक्स वाई, दिस इज बेसिकली सिग्मा एक्स जेड एंड दिस इज बेसिकली सिग्मा वाई जेड, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, इसका जो बेसिक पॉइंट है, देखो जब हम लोग सिग्मा करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिग्मा करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्मल ये जो एक्सिस रहता है जेड एक्स वाई, राइट? जब हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते सिग्मा वाई जेड, दैट मीन्स अगर हम लोग वाई जेड ऑपरेशन करेंगे इस प्लेन में, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई जेड मीन जेड नॉर्मल रहेगा, वाई नॉर्मल रहेगा, बट जब हम लोग वाई जेड ऑपरेशन करेंगे तो ये जो एक्स है वो अभी ऑपोजिट में चला जाएगा, क्लियर हो गया? जब हम लोग वाई जेड ऑपरेशन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक्स नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली जब हम लोग एक जेड ऑपरेशन करेंगे, एक जेड प्लेन का ऑपरेशन करेंगे तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, एक्स वाई जब करेंगे तो जेड नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें जेड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक जेड है तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे वाई जेड है तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली तो देखो यहाँ पे वाई एक्स जेड अगर करेंगे, एक्स जेड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जेड का कोई चेंज नहीं होगा, एक्स का कोई चेंज नहीं होगा, बट वाई अभी नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, क्लियर होगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पीछे चला जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई का कोई चेंज नहीं होगा, बट जेड अभी नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है। सिमिलरली तो इसको हम लोग कैसे 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करते, देखो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कैसे लिखते, देखो ये एक्स नेगेटिव जा रहा है तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग -1 लिखते हैं, 0 0, बाकी वाई जेड एक्सिस सेम रहेगा, 1 0 0 0 1, क्लियर हो गया? तो ये जो फर्स्ट पार्ट है एक्स का पार्ट वो नेगेटिव हो रहा है, क्लियर हो गया? जब हम लोग सिग्मा वाई एक्स जेड करते तब इसका देखो -y हो रहा है तो एक्स पार्ट सेम रहेगा, अभी यहाँ पे y पार्ट में नेगेटिव होगा एंड z पार्ट भी यहाँ पे सेम रहेगा, क्लियर हो गया? जब हम लोग सिग्मा एक्स वाई करते, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते सिग्मा एक्स वाई करते तो एक्स वाई केस में जेड नेगेटिव होता है तो 1 0 0 0 1 0 एंड जेड नेगेटिव होगा तो 0 0 -1, क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर सिग्मा वाई जेड का, सिग्मा एक्स जेड का एंड देन यू हैव अ सिग्मा एक्स वाई। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था ये जो एक्स वाई प्लेन होता है, राइट, जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, ये बेसिकली हम लोग ये बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ऊपर से हम लोग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस हम लोग नॉर्मली प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम करते हैं, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम करते हैं। नाउ एक्स वाई जो प्लेन हम लोग एज्यूम करते हैं वो बेसिकली सिग्मा एज होता है, राइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, राइट, ये 90 डिग्री एंगल रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एज, ठीक है, एंड बाकी जो प्लेन रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा वी। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि दिस इज वन टाइप ऑफ सिग्मा वी प्लेन, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिग्मा वी एंड दिस इज योर सिग्मा एज प्लेन, क्लियर हो गया? ऑलराइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसएन का, ठीक है, एसएन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ न्यूट्रिशन, और यू कैन से एसएन, सो दैट विल बी योर फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट एसएन और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। हम लोग को पता है एसएन बेसिकली क्या होता है, सीएन फॉलोड बाय सिग्मा, राइट, तो वी कैन राइट सीएन इनटू सिग्मा।
तो हम लोग सी एन का 3x3 मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किए थे? दिस इज बेसिकली योर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जीरो साइन थीटा, कॉस थीटा, जीरो 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 वन। एंड नाउ द पॉइंट इज, ये जो सी एन होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, राइट? तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मली जेड एक्सिस में होता है, राइट? फॉलोड बाय ये जो सिग्मा होता है वो बेसिकली सिग्मा एज इन जनरल, तो ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन में होता है, राइट? तो हम लोग ये जो सिग्मा एक्चुअली एक्स वाई वाला लेंगे, तो एक्स वाई लेंगे तो क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो, एक्स वाई लेंगे तो जेड निगेटिव होगा, राइट? तो जीरो जीरो माइनस वन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, जस्ट यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जीरो साइन थीटा, कॉस थीटा, जीरो 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 माइनस वन। तो इसको हम लोग एज ए एस एन के फॉर्म में डिनोट करते हैं, क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आई, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आई। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आई, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, आई का मेन रोल क्या होता है, एक्स वाई जेड अगर कोई भी कोऑर्डिनेट रहता है तो बेसिकली अगर आई ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, हम लोग माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये मिल जाता है, राइट? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, दैट मीन्स आई को हम लोग जब मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो बेसिकली हम लोग माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस वन फॉर्म में डिनोट करते हैं, राइट? एज ए रिजल्ट जब हम लोग कोई भी एटोम का 3x1, ये बेसिकली 3x1 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स करते तो बेसिकली ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये एक्स वाई जेड माइनस हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, बट हम लोग बेसिकली ऐसे हम लोग डिनोट नहीं करते, राइट? ऐसे हम लोग डिनोट नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बार लगा देते, माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स बार वाई बार जेड बार, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, राइट? तो इसका जो 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई इज बेसिकली योर माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 माइनस वन, क्लियर हो गया? नाउ उसके बाद हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये जो हम लोग सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? वहां पे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो सी एन एन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई। जो सी एन एन होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, ई, राइट? सिमिलरली जब हम लोग सिग्मा टू के बात कर रहे थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, E. जब हम लोग एस टू के बाद बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई, राइट? सी एन एन इज बेसिकली ई, सिग्मा टू बेसिकली ई। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सिग्मा टू जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सिग्मा टू बेसिकली ई, ये सिग्मा को सेम होना है, दैट मीन्स ये बेसिकली सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड सेम होना है, दोनों सिग्मा को सेम होना है, सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड। तो ये कंडीशन अगर रहेगा तभी ये फुलफिल होगा, दैट मीन्स एक बार सिग्मा करेंगे तो ऑपोजिट होगा और एक बार सिग्मा डालेंगे तो ऑपोजिट से फिर सेम पोजिशन में आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा टू बेसिकली ई और बेसिकली ई, ठीक है? सिमिलरली आई स्क्वायर इज ऑल्सो बेसिकली योर ई होता है, राइट? एक बार अगर आई करेंगे तो नेगेटिव होगा, उसके बाद फिर अगर आई करेंगे तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, दैट्स वाई आई स्क्वायर बेसिकली योर ई। तो ये जो चार पार्ट इसको याद रखना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक एसेन का, ठीक है? ये जो एसेन है, ठीक है, मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे एस टू की बात करेंगे, ठीक है, एसेन इज बेसिकली और एस टू, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, कॉस 180 डिग्री क्या होगा बेसिकली माइनस वन, साइन 180 डिग्री माइनस साइन, वट एवर माइनस और प्लस, जीरो 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 माइनस वन, जीरो 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 माइनस वन, तो ये बेसिकली एस टू। सी टू के केस में क्या मिल रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव था, एस टू में ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये पोर्शन क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अभी कैरेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बेसिकली सम ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट होता है उसका अगर हम सम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स होता है यही हम लोग
एन तक जितना भी लेक्चर करेंगे ये अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई का क्या था, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ई का क्या था शॉर्ट में, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट, ये था। सी एन का क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। एस एन का क्या था, जस्ट यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, राइट, बाकी सब सेम रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 माइनस 1, ठीक है। सिग्मा का क्या था, सिग्मा का अगर थ्री पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी एक पकड़ लो, 1 0 -1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये बेसिकली वाइज है, राइट, इसलिए एक्स में नेगेटिव हो रहा है, राइट। अभी हम लोगों को क्या देखना है, ये बेसिकली कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स फॉर सिमेट्री एलिमेंट। तो ये बेसिकली हम लोग कैरेक्टर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो हम लोग काई के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ई, ठीक है, ई का काई वैल्यू क्या होगा, तो ये बेसिकली सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, दैट मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसका हम लोग सम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका डायगोनल एलिमेंट को सम करेंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, व्हाट एवर यू वांट, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक में माइनस होता है, राइट। सिमिलरली एस एन की बात करेंगे तो ये जो डायगोनल एलिमेंट इसका हम लोग सम करेंगे, तो ई का जो वैल्यू होगा क्या मिलेगा, देखो ई का अगर तीन वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3, राइट। तो कैरेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर ई इसे क्या मिला है, 3। सेन की अगर बात करेंगे, सेन का क्या मिला है, 2 cos theta cos theta cos theta 1 2 cos theta plus 1, क्लियर हो गया। सिग्मा की अगर बात करेंगे, -1 1 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, ऑलवेज सिग्मा ऑलवेज 1 होता है। एस एन की अगर बात करेंगे, एस एन का क्या मिल रहा है, 2 cos theta minus 1 2 cos theta minus 1। आई का क्या था, आई का ये पूरा नेगेटिव था, -1 -1 -1, तो आई का जो वैल्यू मिलने वाला है दैट विल बी योर -3, क्लियर हो गया। तो ये जो कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स फॉर पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट के लिए, देखो ये जो वैल्यू है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग एन तक जो भी लेक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे सिमेट्री एलिमेंट का जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऑपरेशन सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है, ऑपरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सिमेट्री एलिमेंट। तो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो उसको हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट, कितना ऑपरेशन होता है बेसिकली, पहले वीडियो में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर सी एन, सी एन में एन माइनस वन ऑपरेशन होता है, राइट। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सी एन में एन माइनस वन ऑपरेशन होता है, तो हमने कैसे इसको एक्सप्लेन किया था, सी एन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सी एन वन सी एन टू सी एन एन माइनस वन एंड देन यू हैव सी एन एन। तो ये जो लास्ट पोर्शन होता है इसको हम लोग ई बोल देते, ठीक है, इसलिए ये कम हो जाता है, राइट, ई मतलब हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एट दी एंड हम लोग को कितना ऑपरेशन मिलता है, एन माइनस वन ऑपरेशन मिलता है, राइट, ठीक है। और राइट, तो इसके पहले हमने क्या बोला था कि एस टू बेसिकली बेसिकली और आई होता है, राइट, सिग्मा टू इज बेसिकली और ई एंड ऑल्सो आई टू इज बेसिकली और ई सी एन एन इज बेसिकली और ई, राइट। सिमिलरली जब हम सिग्मा ऑपरेशन की बात करेंगे, सिग्मा ऑपरेशन की अगर बात करेंगे, सिग्मा टू तो हमने हमको पता है ई होता है, राइट। अगर हम लोग सिग्मा थ्री की बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा टू इंटू सिग्मा, सिग्मा थ्री इज योर सिग्मा टू इंटू सिग्मा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा टू इज बेसिकली योर ई, राइट, एंड देन योर सिग्मा, एंड ई के साथ कोई भी किसी का मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम रहता है, दैट मीन्स सिग्मा रहेगा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग सिग्मा थ्री के बाद अगर फोर की बात करेंगे तो सिग्मा टू इंटू सिग्मा टू, सिग्मा टू सिग्मा टू मीन्स ई इंटू ई, तो हम लोग को ई मिलने वाला है। सिमिलरली सिग्मा फाइव अगर बात करेंगे, सिग्मा टू इंटू सिग्मा ई ई इंटू सिग्मा, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, फाइनली सिग्मा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, अगर सिग्मा एन
इफ एन इज बेसिकली योर इवन, इवन मीन्स टू फोर, दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, इसका जो वैल्यू मिलने वाला है ई मिलने वाला है, राइट. बट इफ एन इज बेसिकली योर ऑड, दैट मीन्स थ्री और फाइव, उसके इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, सिग्मा, राइट. क्लियर हो गया. तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सी एन के बाद सी एन सिग्मा, उसके बाद हम लोगों को ए सी एन में फोकस करना है. ए सी एन में हम लोग एस टू हो सकते हैं, एस टू बेसिकली आई, राइट. एस टू इज बेसिकली योर आई. नाउ एस थ्री, एस थ्री में अगर एस थ्री की बात करेंगे, एस थ्री में कितना होता है, एस थ्री वन, एस थ्री टू, एस थ्री थ्री, एस थ्री फोर, एस थ्री फाइव, एस थ्री सिक्स. सिमिलरली अगर हम लोग एस फोर की बात करेंगे, एस फोर में कितना होता है, एस फोर वन, एस फोर टू, एस फोर थ्री, एस फोर फोर. ठीक है. नाउ एस फोर वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एस फोर वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एस फोर वन वी कैन राइट सी फोर वन इंटू सिग्मा, राइट. सिमिलरली एस फोर टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी फोर टू इंटू सिग्मा टू, दैट मीन्स सी फोर टू, सिग्मा टू मीन्स ई, राइट. सिग्मा टू मीन्स ई, सो सी फोर टू ई मीन्स ई, फाइनली क्या हो जाएगा, सी फोर टू. सी फोर टू का मतलब नीचे चार, मतलब 90 डिग्री रोटेशन दो बार कर रहे, दैट मीन्स 90 डिग्री रोटेशन, या फिर एक बार 90 डिग्री और एक बार 90 डिग्री. क्लियर हो गया. दैट मीन्स हमारा ओवरऑल कितना कर रहे, 180 डिग्री. सी फोर टू का मतलब क्या है, सी फोर का मतलब क्या है, एन का वैल्यू फोर का मतलब 360 by 4, दैट मीन्स 90 डिग्री रोटेशन. वन सी फोर वन मीन्स वन टाइम, सी फोर टू मीन्स टू टाइम, दैट मीन्स वन टाइम 90 डिग्री, टू टाइम 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री रोटेशन. तो सी फोर टू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी टू. क्लियर हो गया. ऑलराइट, एस फोर थ्री, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी फोर थ्री इंटू सिग्मा टू इंटू सिग्मा, दैट इज सिग्मा थ्री. सिग्मा टू इज बेसिकली योर ई, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी फोर थ्री इंटू सिग्मा. क्लियर हो गया. ऑलराइट, उसके बाद देखो ये जो पार्ट है एस फोर फोर, वी कैन राइट लाइक ए सी फोर फोर इंटू सिग्मा फोर. तो ये एट द एंड हम लोग को क्या मिलने वाला, ई मिलने वाला है, राइट. तो हम लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है, देखो यहाँ पे एट द एंड ये जो प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है वो बेसिकली ई, एंड बाकी तीन को, तीन का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है. दैट मीन्स ये बेसिकली एन का वैल्यू अगर फोर मीन्स इवन रहेगा तो इसका जो टोटल ऑपरेशन मिलेगा एन माइनस वन रहेगा, ठीक है. ओके, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखो एस थ्री वन की अगर बात करेंगे, एस थ्री वन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सी थ्री वन इंटू सिग्मा हो जाएगा. एस थ्री टू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सी थ्री टू इंटू सिग्मा टू, दैट मीन्स सी सिग्मा टू मीन्स ई, ई इंटू सी थ्री टू मीन्स सी थ्री टू, राइट. एस थ्री थ्री, दैट मीन्स बेसिकली सी थ्री थ्री इंटू सिग्मा टू इंटू सिग्मा, ये दोनों पोर्शन ई है, राइट. ये दोनों पोर्शन ई है तो ई इंटू ई इंटू सिग्मा, तो हम लोग को सिग्मा मिले. एस फोर, सॉरी सॉरी सॉरी, एस थ्री फोर इज बेसिकली योर सी थ्री फोर इंटू सिग्मा फोर, तो हम लोग को क्या मिला है, सी थ्री फोर. एस थ्री फाइव ये बेसिकली सी थ्री फाइव इंटू सिग्मा फोर इंटू सिग्मा, सिग्मा फोर इज बेसिकली योर ई, एंड सी थ्री फाइव को हम लोग लिख सकते हैं सी थ्री थ्री इंटू सी थ्री टू, सिग्मा फोर, सिग्मा फोर मीन्स ई, एंड सिग्मा ये बेसिकली ई है, तो ई इंटू सी थ्री टू इंटू सिग्मा, ठीक है. सिमिलरली एस थ्री सिक्स का भी कुछ वैल्यू होगा, देखो सी थ्री सिक्स इंटू सिग्मा सिक्स मीन्स वी कैन से सिग्मा टू, सिग्मा टू, सिग्मा टू, तो हम लोग क्या मिला है, सी थ्री, सी थ्री थ्री, एंड देन यू हैव टोटल ई, दैट मीन ये ई मिल है. दैट मीन्स ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये हम लोग को क्या मिल रहा है, ई मिल है, राइट. नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट देखो इसका जो अगर ऑड रहेगा, ऑड का वैल्यू रहता है टू एन माइनस वन ऑपरेशन, अगर हम लोग इवन रहेगा तो यहाँ पे एन माइनस वन रहेगा. देखो यहाँ पे वैल्यू बेटा, तो अगर यहाँ पे चार रहेगा, चार माइनस वन मीन्स तीन ऑपरेशन, तो एक दो तीन मिला है, बाकी लास्ट में ई हो रहा है, इग्नोर. अगर हम लोग ऑड होगा एस एन में, अगर एन का वैल्यू ऑड रहेगा, राइट, इफ एन इज योर ऑड,
मान लेते तीन, तो तीन यहाँ पे बिठा देंगे, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन फाइव होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, लास्ट का तो ई है राइट। तो एस एन का रूल है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेशली, ये क्लियर हो गया ठीक है। मैं यहाँ पे जगह कहाँ पे एस एन के केस में अगर ठीक है, इफ यहाँ पे टू एन माइनस वन होगा, इफ एन इज बेसिकली योर ऑड, एन माइनस वन इफ एन बेसिकली योर इवन, क्लियर हो गया। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको हम लोग एक सिमेट्री एलिमेंट का कितना ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोग दो तीन प्रॉब्लम करेंगे ठीक है, गेट में नेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वही हम लोग तीन लेक्चर तीन प्रॉब्लम हम लोग इस लेक्चर के एंड तक डिस्कस करेंगे ठीक है। ऑलराइट, तो मैं स्पीडेस कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, देखो जो सिमेट्री एलिमेंट हम लोग को मिला था एंड उसका कितना कितना ऑपरेशन मिल रहा था, सिमेट्री एलिमेंट्स ठीक है एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन राइट। अगर हम लोग ई की बात करेंगे तो इसका ई की ऑपरेशन होता है राइट। अगर हम लोग सी एन की बात करेंगे, सी एन का कितना हो रहा था, एन माइनस वन। अगर हम लोग सिग्मा की बात करेंगे, सिग्मा का ए की ऑपरेशन होता है राइट। उसके बाद था हमारे पास आई, था आई का भी एक ही ऑपरेशन होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन एक ही होता है, सिग्मा का भी एक ही होता है। अगर हम लोग सही से देखेंगे सिग्मा का भी एक ही होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एस एन, एस एन काफी इंपॉर्टेंट है, एन माइनस वन मिलेगा इफ एन इज बेसिकली योर इवन, टू एन माइनस वन इफ एन इज बेसिकली योर ऑड ठीक है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, सी एन और एस एन सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है। उसके बाद हम लोग तीन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ठीक है, इसको नोट कर लो। फर्स्ट जो क्वेश्चन गेट 2022 में रिसेंटली गेट में आया था, ओरिजिनली एट 135 वाज सब्जेक्टेड टू सिमेट्री ऑपरेशन O1 दैट शिफ्टेड द पॉइंट टू माइनस वन। तो पहले क्या था 135 ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन, O1 ठीक है। ये जब हम लोग ऑपरेट कर रहे, ये पॉइंट अभी शिफ्ट होके क्या कहां पे जा रहा है, माइनस वन माइनस थ्री एंड फाइव। सब्सिक्वेंटली द पॉइंट माइनस वन माइनस थ्री फाइव वॉज सब्जेक्टेड टू अनदर सिमेट्री ऑपरेशन ओ टू। ओके, दैट शिफ्टेड दिस पॉइंट टू माइनस वन माइनस थ्री एंड द माइनस फाइव, द सिमेट्री ऑपरेशन ओ वन एंड ओ टू, क्लियर हो गया। तो देखो ये जो पोर्शन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो वन थ्री फाइव है, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लेते दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड, तो जेड का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है राइट। यहाँ पे जेड का कोई चेंजेस हो रहा है, साइन का एक्स का तो माइनस एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स हो रहा है, माइनस वाई हो रहा है, जेड हो रहा है। तो इस कौन सी केस में होता है, जब हम लोग मान लेते दिस इज योर ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, दिस इज योर जेड, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई राइट। जब हम लोग सी टू जेड ऑपरेशन करते हैं, सी टू जेड में क्या होता है, सी टू जेड में 180 डिग्री रोटेशन होता है, दैट मीन्स ये जो वाई अभी पीछे चला जाएगा एंड एक्स अभी इधर चला जाएगा, तो जेड का कोई चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई एंड देन यू हैव अ माइनस एक्स। तो पहले मान लेते कोई भी पॉइंट का एक्स वाई जेड था, अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई एंड जेड, दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन हो रहा था ये बेसिकली योर सी टू जेड था, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो वाई जेड एक्स वाई का तो वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई था, इस केस में देखो जेड का चेंज हो रहा है, एक्स वाई का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कौन सी केस में चेंज होता है, जब कोई एक वन एक्सिस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसमें कोई प्लेन है राइट। तो मान लेते हो सकता है कोई भी इस तरह का कोई प्लेन है, जो प्लेन वी कैन से सिग्मा एक्स वाई। जब हम लोग सिग्मा एक्स वाई प्लेन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई ठीक है, ये पे मैं लिख देता हूं, इफ सिग्मा एक्स वाई प्लेन अगर यहाँ पे रखेंगे, एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, ये जो जेड अभी ऊपर है वो अभी ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है। तो जेड अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दिस इज योर माइनस एक्स, दिस इज योर माइनस वाई, अभी जेड क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ है। तो ये बेसिकली योर सिग्मा एक्स वाई एक्सिस होगा, क्लियर हो गया। ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेट 2014 में पूछा गया था ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, प्रोडक्ट फॉर
सिग्मा एक्स वाई इंटू एक्स फोर जेड, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई बेसिकली एक्स वाई का जो प्लेन है एंड एस फोर जो इम्प्रोपर एक्सिस इन जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग को ये तो पता है जो एस फोर होता है, ठीक है, एस फोर बेसिकली योर सी फोर इंटू सिग्मा होता है, राइट। एस टू जो होता है, एस टू जो होता है ये बेसिकली सी टू इंटू सिग्मा, ये जो वैल्यू रहता है ये बेसिकली इसके साथ कोरिलेटेड होता है, राइट। हम लोग अगर एस फोर की बात करेंगे तो 90 की रोटेशन, सी फोर 90 की रोटेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सिग्मा डालेंगे। नाउ यहाँ पे जब हम लोग जेड डाल रहे हैं, दैट मीन्स एस फोर अगर जेड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो सी फोर हम लोग रोटेशन कर रहे हैं ये बेसिकली जेड एक्सिस में है। नाउ अगर ये रोटेशन हम लोग जेड एक्सिस में कर रहे हैं तो प्लेन हम लोग कौन सी एक्सिस में लेंगे? डेफिनेटली एक्स वाई में लेंगे, क्योंकि अगर जेड में हम लोग 90 की रोटेशन कर रहे हैं उसके बाद हम लोग प्लेन एक्स वाई को एज्यूम करेंगे, तो डेफिनेटली इसके साथ जो प्लेन होगा वो एक्स वाई होगा, राइट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एस फोर। तो एस फोर मीन सी फोर इन जेड एक्सिस इन टू सिग्मा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते सिग्मा एक्स वाई इन टू एस फोर जेड को हम लोग लिखेंगे सी फोर जेड इन टू सिग्मा एक्स वाई। तो ये देखो सिग्मा एक्स वाई भी सेम है, सिग्मा एक्स वाई सेम, सो एक्स वाई ये बेसिकली हम लोग ऐसे लिख सकते स्क्वायर एंड देन यू सी फोर जेड। तो ये स्क्वायर मीन्स ई इन टू सी फोर जेड, तो ये पे हम लोग लिख सकते सी फोर जेड, तो ये होगा फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेट 2015 में पूछा गया था, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सी टू एक्स इंटू सिग्मा एक्स वाई, सी टू एक्स इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो यही पूछा गया। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो और भी इजी हो जाता है। पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लो, जेड एक्स वाई, पहले क्या ऑपरेशन है सी टू एक्स, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के थ्रू हम लोग को सी टू ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे सी टू ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, जेड कहाँ पे जाएगा, एक्स का कोई चेंजेस नहीं होगा, जेड कहाँ पे जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा, वाई कहाँ पे जाएगा माइनस वाई में जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद क्या है सिग्मा एक्स वाई, उसके बाद अगर हम लोग सिग्मा एक्स वाई का ऑपरेशन करेंगे, एक्स वाई मीन्स एक्स वाई प्लेन में अगर ऑपरेशन करेंगे तो जेड का चेंजेस होगा, जेड मीन्स देखो यहाँ पे एक्स रहेगा, ये बेसिकली माइनस वाई रहेगा, तो जेड अभी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली ये क्या ऑपरेशन है, अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये बेसिकली सिग्मा एक्स जेड है, राइट। अगर हम लोग इसमें सिग्मा एक्स जेड दैट मीन्स ऐसा कोई प्लेन डालेंगे तभी वाई नेगेटिव होगा, राइट, वाई नेगेटिव होगा, देखो वाई नेगेटिव है। पहले सी टू एक्स ऑपरेशन करेंगे, सी टू एक्स का ऑपरेशन मीन्स एक्स एक्सिस में रोटेशन होगा बट चेंजेस कहाँ पे होगा, 180 डिग्री चेंजेस कहाँ पे होगा, जेड तो माइनस जेड हो जाएगा, 180 डिग्री रोटेशन में करेंगे वाई हो जाएगा माइनस वाई, तो वही हुआ। उसके बाद डॉट सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई एक्स वाई का मतलब अभी कोई भी हम लोग ऑपरेशन करें सिग्मा एक्स वाई प्लेन के, तो प्लेन में करेंगे तो जो जेड माइनस अभी प्लेन में क्या होगा उल्टा में चले जाएगा, ऑपोजिट में चले जाएगा, तो ये भी जेड पॉजिटिव। तो एट द एंड ये जो दो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं इनिशियली फॉर्म से ये बन रहा है, तो अगर हम लोग एक बार में करना चाहेंगे तो बेसिकली एक्चुअली सिग्मा एक्स जेड बन रहा है, तो ये एक्चुअली सिग्मा एक्स जेड का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन इज बेसिकली इक्विवेलेंट ऑफ सिग्मा एक्स जेड ऑपरेशन, दैट्स ऑल, क्लियर हो गया। आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया सीएसआई नीट गेट एंड एमएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे पॉइंट ग्रुप को डिफाइन किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।